हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस का पार्ट टू इससे पहले पार्ट मीन्स पार्ट वन में हमने आपको बताया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन में कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेटेड क्रोमोफोर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि पॉलीन्स एरोमेटिक कंपाउंडस और उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं मीन्स किसी भी कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में बताया था और नेक्स्ट हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स यूवी

प्ले स्टोर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है तो आइए शुरू करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इन अ सोल्यूशन मीन्स अगर हमारे पास कोई सैंपल सोल्यूशन है और उसमें हमको किसी केमिकल कंपाउंड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है कि कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है उस सैंपल सोल्यूशन में तो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक

बहुत ही स्ट्रांगली एब्जॉर्व करेगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस वैल्यू भी ज़्यादा आएगी तो उस सब्सटेंस के लिए वो वेवलेंथ जो है वेवलेंथ मैक्सिमा कहलाता है और अगर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हमको किसी भी सैम्पल में डिटरमाइन करना है तो उसी वेवलेंथ मैक्सिमा में ही किया जाता है और यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमको उस सब्सटेंस का कैलिब्रेशन कर्व बनाना होता है अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन द एक्स एसिस अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस ऑन वाई एक्सिस। तो जैसा हमने आपको से पहले भी बताया कि हम क्या करते हैं हम किसी भी सैंपल का अगर हमको कंसनट्रेशन डिटरमाइन करना है तो उस सैंपल का हम स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं जैसे मान लो अगर किसी सैम्पल में हमको कैफीन को हमको डिटरमाइन करना है कैफीन के कंसेंट्रेशन को तो हम क्या लेंगे स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे स्टैंडर्ड कैफीन मतलब कि हमको नोन है हम जान रहे हैं कि ये कैफीन है प्योर फॉर्म में है और उस केमिकल कंपाउंड का उस ड्रग का जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कैफिन लिया हुआ है तो उस स्टैंडर्ड ड्रग को लेके उस डिफरेंट जो है डल्यूशन बनाए जाते हैं डिफरेंट बनाए जाते हैं डिफरेंट सोल्यूशन बनाते हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन जैसे हमने स्टैंडर्ड कैफिन लिया और एक सोल्यूशन हमने बनाया यहाँ पे जैसे 20 माइक्रोग्राम पर एम दूसरा हमने जो सोल्यूशन बनाया वो 40 माइक्रोग्राम पर एम तीसरा हमने बनाया 60 माइक्रोग्राम पर एम चौथा हमने बनाया यहाँ पे 80 माइक्रोग्राम पर एम और नेक्स्ट हमने मान लो बनाया 100 माइक्रोग्राम पर एम इस तरीके से या 2 माइक्रोग्राम पर एम 4 माइक्रोग्राम सिम सिक्स माइक्रोग्राम पर एम 8 माइक्रोग्राम पर एम या 10 माइक्रोग्राम पर एम इस तरीके से हम जो है डिफरेंट बनाते हैं डल्यूशन बोलते हैं जिसको या बोला जाता है तो इस तरीके से नून के डिफरेंट बनाने के बाद क्या किया जाता है एक एक करके सभी का हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं एब्जॉर्बेंस देखते हैं और एब्जॉर्बेंस जो है उस केमिकल कंपाउंड के मैक्स मीन्स वेबलेट मैक्सिमा में ही देखा जाता है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कैफीन का डिस्टुल वाटर में जो मैक्स होता है 273 नैनोमीटर तो सभी जो सॉल्यूशन हमने बनाए हैं ऑफ नोन कंसेंट्रेशन उसका एब्जॉर्बेंस हम 273 नैनोमीटर इसी वेवलेंथ में हम देखेंगे जो आप देख रहे हैं ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो इसका जो सैंपल होल्डर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंपल होल्डर है तो हम क्यूएट में जैसे मान लो फर्स्ट कंसंट्रेशन हमने जो बनाया है 2 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाया है कैफीन का तो उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम क्यूबेट में लेंगे और इस सैम्पल होल्डर में इस तरीके से उस सॉल्यूशन को रख देते हैं यहाँ पे सिर्फ क्यूएट में सॉल्वेंट रखा जाता है ताकि सॉल्वेंट का उस वेवलेंथ पे कोई एब्जॉर्बेंस ना आए उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं ब्लैंक से रीडिंग लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हमने जैसे टू माइक्रोग्राम पर एम का सबसे पहले हमने उसका एब्जॉर्बेंस देखने के लिए यहाँ पे सैम्पल होल्डर में उसको प्लेस कर दिया अब उसके बाद जो भी एब्जॉर्बेंस आएगा मान लो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आया 0.2 तो उसको नोट कर लिया जाता है तो हमने फर्स्ट जो सॉल्यूशन लिया मान लो ट्वेंटी माइक्रोग्राम पर एमएल का जो एब्जॉर्बेंस आया 0.2 पॉइंट नोट कर लेते हैं सेकेंड हमने जो सोल्यूशन बनाया है ऑफ फोर्टी माइक्रोग्राम पर एमएल तो इस कंसेंट्रेशन का भी हमने क्या एब्जॉर्बेंस देखा मान लो कि इसका जो एब्जॉर्बेंस आया है जीरो पॉइंट फोर आया नेक्स्ट जो सिक्सटी माइक्रोग्राम पर एम का बनाया उसका भी हम एब्जॉर्बेंस देखे नेक्स्ट हमने एटी माइक्रोग्राम पर एम का जो सोल्यूशन बनाया है उसका भी हम एब्जॉर्बेंस देखे मान लो जीरो आया नेक्स्ट हमने हंड्रेड माइक्रोग्राम का बनाया पर तो उसका मान लो एब्जॉर्बेंस जो है वन आया तो इस तरीके से हमने जो डिफरेंट सोल्यूशन बनाए थे ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन उसके सभी के एब्जॉर्बेंस देखने के बाद जैसा हमने आपको बताया था ग्राफ प्लॉट किया जाता है

मार्क करते हैं उसके बाद 40 माइक्रोग्राम का जो भी कंसनट्रेशन आया नेक्स्ट हमने जो कंसनट्रेशन लिया उसको भी इस तरीके से मार्क किया जाता है नेक्स्ट और जितने भी हमने डायलूशंस बनाए हैं उसके जो एब्जर्बेंस आए हैं उसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करते हुए और उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जैसा हमने आपको बताया था वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जहाँ वाई क्या होता है वाई जो है एब्जर्वेंस होता है एम जो है स्लोप होता है ऑफ दिस कर्व एक्स जो है कंसेंट्रेशन होता है और सी क्या होता है सी जो है इंटरसेप्ट होता है तो यही जो हमने ड्रॉ किया है कर्व यही स्टैंडर्ड कर्व कहलाता है या इसको हम कैलिब्रेशन कर बोलते हैं तो हम एक्सेल शीट के थ्रू किस तरीके से कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे पास जो भी डाटा आया है मीन्स डिफरेंट जो हमने कंसंट्रेशन लिए हुए हैं एक्सेसिस में उस डाटा को लिखा जाता है उसके बाद वाई एक्सिस वाई एक्सिस में जो भी हमारा एब्जॉर्बेंस आया उसको लिखा जाता है और इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हैं मीन्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और उसके बाद इस तरीके से एम मीन्स जो स्लोप की वैल्यू और सी मीन्स इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है आएगी तरीके से

तो इसका फिर क्या किया जाता है जहां पे वो इंटरसेप्ट हो रहा है इस कर्व में तो वही उसका कंसेंट्रेशन कहलाता है जैसे मान लो तो उसको इस इक्वेशन से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो एक्सेल में इस तरीके से जो फॉर्मूला हम पुट करते हैं जो वैल्यू आई है जिससे हम इस कंसेंट्रेशन मीन्स x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से y माइनस सी डिवाइडेड बाय एम तो ये वैल्यू पुट करना होता है y यहाँ पे क्या है y उस सैंपल का जो एब्जॉर्बेंस आया है तो यहाँ पे जैसे सैंपल का एब्जॉर्बेंस क्या आया है 0.45 पॉइंट माइनस सी तो यहाँ पे जैसे स्लोप की जो वैल्यू आई है वो है 0.1533 पॉइंट और डिवाइडेड बाय एम एम क्या है एम की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई है जैसे मान लो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई 87.264 तो यहाँ पे इस सैम्पल सॉल्यूशन में जो कैफीन का जो कंसंट्रेशन है वो है 87.26 माइक्रोग्राम पर एम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो है एट्टी सेवन पॉइंट टू सिक्स माइक्रोग्राम पर एम ये हुआ हमारे सैंपल सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैफिन का एग्जाम्पल लेते हुए समझा कि किस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के कंसेंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी

कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कॉन्जुकेशन या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन इस तरीके से जो कॉन्जुकेशन है या तो डबल बॉन्ड एंड एरो रिंग के जो कॉन्जुकेशन है तो इसके प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग के प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी कर सकते हैं, के जो होते, हैं, जो होते हैं उनका जो है, मतलब कि जो वेवलेंथ होता है जिसमें वो मैगजिम एब्जॉर्बेंस देता है एटली लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ की जो एक्सटेंशन कोफिशेंट होता है वो भी लार्जर होता है एज कंपेयर टू दिस आइजूमर जैसे कि एग्जाम्पल स्टिल बिन केमिकल है तो इसका जो ट्रांस आइजूमर होता है उसका

टू सेवेंटी एट शॉर्टर विवल एस कंपेयर टू दस आईसूमर इस तरीके से हम ट्रांसऑसिस आइसोमर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मीन्स यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर स्पेसिफिक कोई फंक्शनल ग्रुप है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि यूवी विजिबल रेंज के जो लाइट होते हैं रेडिएशंस होते हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम मीन्स यूवी विजिबल एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम की मदद से क्योंकि एक स्पेसिफिक वेव में हमको पिक दिखेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में इसमें पहले पार्ट में बताया था जैसे कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर हैलोजन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एरोमेटिक एंड कॉन्जुगेटेड ऑलिफिन जो होते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सकता है इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी इससे पहले के पार्ट में हमने डिटेल में बताया था तो किसी भी कंपाउंड को अगर हमको आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसके एब्जॉर्ब्शन स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा से किस तरीके से हम एब्जॉर्ब्शन स्पेक्ट्रा के बेसिस पे किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक एबजॉर्ब्शन पैटर्न होता है so, कैसे करते हैं हम इट इज डन बाय कंपेयरिंग द एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा विद द एबजॉर््शन स्पेक्ट्रा ऑफ द स्टैंडर्ड नोन कंपाउंड मींस मीन्स जो कंपाउंड है उसका एबजॉर््शन स्पेक्ट्रा को हम स्टैंडर्ड के एब्जॉर््पन स्पेक्ट्रा से कंपेयर किया जाता है तो यूवी विजिबल एब्जॉर्ब्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उस टाइप के कंपाउंड के लिए होते हैं जो कि यू वी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और जनरली वो कंपाउंड जो यू वी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो इन तरीके के कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है डिटेक्शन ऑफ द इम्प्यूरिटी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से तो क्या किया जाता है उस सैंपल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम से मीन्स स्टैंडर्ड का एब्जॉर््शन स्पेक्ट्रा मतलब कि जो प्योर है जो नॉन कंपाउंड है उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है और जिस सैंपल के हमको प्योरिटी चेक करना है उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है उसको कंपेयर करते हैं और अगर हमको स्टैंडर्ड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से जब हम कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंपेयर करने से अगर हमको कुछ एडिशनल पिक्स दिखते हैं तो कि ये इंडिकेट करता है कि उस केमिकल कंपाउंड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो मान लो कोई स्टैंडर्ड केमिकल कंपाउंड है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं इस तरीके से आया और हम जब सैंपल जिसकी प्योरिटी को हमको चेक करना है तो उसका हम जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें तो मान लो अगर इसमें इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया तो इस तरीके से हमको एक्स्ट्रा पिक दिख रहा है तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पिक दिख रहा है तो ये जो है ये प्योर कंपाउंड का था प्योर में किसी तरीके का इस तरीके का पिक नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा पिक आया है सैंपल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में इट मीन्स यहाँ पे इस सैंपल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसके अलावा मेजरिंग द एबजॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेव लेंथ द एम्प्योरिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड या दूसरे तरीके से कैसे करते हैं उस सैंपल जिसकी हमको प्योरिटी को चेक करना है तो जो एम्प्यूरिटी है जो कि एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पे एब्जॉर्व करता है तो उस स्पेसिफिक वेव लेंथ हम अप्लाई करते हैं और उस स्पेसिफिक वेव लेंथ में एब्जॉर्बेंस देखा जाता है एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा देखा जाता है तो अगर उस स्पेसिफिक वेव लेंथ में अगर कोई पिक अगर हमको ऑप्टेन होता है

255 नैनोमीटर वेवलेंथ में जब स्कैन किया जाता है तो अगर इस वेवलेंथ में अगर पिक आता है इट मीन बेंजिन की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम इंप्योरिटी डिटेक्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एबजॉर्बशन स्पेक्ट्रा में जो डिफरेंट पिक्स आए हैं तो उनके जो डिफरेंट वेवलेंथ में मीन्स डिफरेंट लोकेशन में जो पिक्स हैं तो उन पिक्स के लोकेशन से हमको एक आइडिया मिल जाता है अबाउट दी स्ट्रक्चर फीचर्स के बारे में जैसे कि उसमें अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, नहीं है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है हाइड्रो एटम्स में सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हेलोजन ये प्रेजेंट है कि नहीं है इस तरीके से हमको आइडिया मिल जाता है उसके स्ट्रक्चर फीचर्स के बारे में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम आता है मीन्स जो पिक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से नहीं आता उसमें जो स्पेसिफिक पार्ट होता है या जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि यूवी विजिबल रेंज के जो लाइट होते हैं जो रेडिएशन होते हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं तो उन्हीं पार्ट की वजह से जिसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं उसी पार्ट की वजह से जो है पिक्स आते हैं एब्जॉर्प्शन इस्पेक्ट्रा हमको शो होता है जो नॉन क्रोमोफोरिक पार्ट है मतलब उस मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट जो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस नो इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑप्टेड अबाउट द नॉन क्रोमोफोरिक पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल का जो नॉन क्रोमोफोरिक पार्ट मीन्स ऐसा पार्ट जो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है इसी कारण से ये जो टेक्निक होता है अलोन मतलब सिर्फ और सिर्फ हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता नहीं लगा सकते हैं इसके क्या किया जाता है अलावा हमको अदर स्पेक्ट्रल डाटा जैसे कि इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर मीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये सब यूज किया जाता है फॉर दिस स्पेशली स्ट्रक्चरल

हमको डिटरमाइन करना है तो अगर वो रिएक्शन जो है एबजॉर्शन फ्रीक्वेंसी को या कह सकते हैं एब्जॉर्न वेवलैन को अगर शिफ्ट करता है तो हम उन केमिकल रिएक्शंस के रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली मॉनिटर कर सकते हैं नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिकल एप्लीकेशन तो इट इज वाइडली यूज इन द बायो केमिस्ट्री यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइडली यूज किया जाता है इन द बायो केमिस्ट्री टू स्टडी द प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करने के लिए न्यूक्लिक एसिड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड अदर बायो मॉलिक्यूल्स इस बायो केमिकल सैम्पल्स में ब्लड शुगर कितने अमाउंट में है कोलेस्ट्रॉल कितने अमाउंट में है और अदर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अमाउंट कितने कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्दो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस िस के लिए वाइडली यूज नहीं किया जाता है लेकिन ये सब पावरफुल टूल होता है फॉर दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके अलावा इसको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग के कंसंट्रेशन को उसकी प्यूरिटी को एसेस करने के लिए मीन्स ड्रग की परसेंटेज प्यूरिटी डिटरमाइन करने के लिए वो ड्रग कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है उस फॉमुलेशन में उसको डिटरमाइन करने के लिए इसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिसर्च में बायोकेमिस्ट्री जैसा हमने आपको बताया केमिकल एनालिसिस के लिए इस तरीके से यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो